हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्मी फूड वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे मटका कुल्फी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये एक छोटी ग्लासी जो होती है, यानी आपके कप से 1.5 कप इतना मैंने दूध लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 2 चम्मच चीनी लिया मैंने। अब हम अपने दूध को बॉयल करेंगे। ये देखिए, हल्का सा गैस से उठा करके गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है और चलाते हुए वापस रख देंगे मीडियम पर। अपने पैन को ऊपर करके थोड़ा सा अच्छे से दूध को बॉयल कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो करते हैं। 1/4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये मेरा कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर है। ये देखिए, सिर्फ इतना ही लिया है और थोड़ा सा पानी। स्पून में देखिए पूरा भी नहीं भरा है, और इसको हम ऐसे घोल लेंगे। एक ही कप मटका कुल्फी बनेगी तो उसके लिए इतना कस्टर्ड पाउडर काफी है। अब हम अपने दूध में डालेंगे। अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पे करते हुए दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा दूध काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम बंद करते हैं। अब हम इसे कुछ देर तक रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे फ्रिज में डालेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉलीथिन लगा करके कोई भी ढक्कन कुछ भी हो ऐसे ही ढक दीजिएगा, और अब हम हटाते हैं। ये देखिए, हमारी मटका कुल्फी जम गई है। अब इसे सर्व करने के लिए या इस पे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप पिस्ता या कुछ भी ऐसे रख दीजिए। आपकी मटका कुल्फी तैयार। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी मेरी मटका कुल्फी तैयार हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, आपको मैं कटोरी में भी निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कितनी अच्छी मटका कुल्फी तैयार हुई है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।